Hey everyone, welcome or welcome back to my channel. कैसे हो आप लोग? I hope you all are doing great. So friends, जैसा कि आपने thumbnail और title से देख ही लिया है कि आज का haul होने वाला है, जी हाँ, आपका और मेरा भी favorite Meesho random finds haul. तो बहुत ही रैंडम फाइंड्स लेकर मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हो गई हूँ. बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं. कुछ प्रोडक्ट्स मुझे मंगाने भी थे, कुछ प्रोडक्ट्स की मुझे नीड भी थी. तो हो सकता है कि आपको अपने कोई काम की चीज मिल जाए. और मैंने पहले भी अप्रॉक्स 4 to 5 हॉल मीन्स रैंडम फाइंड्स वीडियो मीशो की हुई हैं. तो अगर आपको ऐसे हॉल्स देखना पसंद है, रैंडम फाइंड्स स्पेशली देखना पसंद है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लिंक्स दे दूंगी. तो वहां से आप जाके चेकआउट कर सकते हो, या वीडियो के लास्ट में आपको एंड स्क्रीन में लगा हुआ मिल जाएगा, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हो. या थोड़ा सा आप मेरे चैनल को एक्सप्लोर भी करोगे तो आपको सारी चीजें देखने को वहां पे मिल जाएंगी. तो चलिए फिर ज्यादा बातें नहीं करते हैं. और ये जो कुर्ती मैंने वियर कर रखी है, वूलन कुर्ती है, ये भी मैंने मीशो से ही ली है. अगर आप इसका लिंक या कोड चाहते हो तो आप मुझे कमेंट डाउन करके बता सकते हो. और तो चलिए फिर ज्यादा बातें नहीं करते हैं, फटाफट से हॉल को स्टार्ट कर लेते हैं कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है. जो फर्स्ट प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ऐसी सी पैकेजिंग में आया था. और इसमें हमें मिल जाएगा ये देखो, ये एक बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइजर बैग है. बॉक्स टाइप की इसकी शेप है. क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी है. वो लेदर मटेरियल होता है ना, पीयू वाला, वो वाला मटेरियल है. और मतलब मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतनी अच्छी क्वालिटी आएगी. ये देखो, चेन की भी क्वालिटी बहुत ज्यादा सही है. और इसमें हमें अच्छा खासा स्पेस देखने को मिल जाएगा. तो स्पेस अच्छा खासा है. कुछ भी आप रखने के लिए अपने टॉयलेटरी बैग एज ए यूज कर सकते हो. कॉस्मेटिक आइटम्स रख सकते हो. ट्रैवल अगर आप करते हो तो काफी कुछ आप इसमें कैरी करके रख सकते हो. तो बहुत ही यूजफुल लगा मुझे ये. और ये बीच में इसमें टोटल हमें दो कंपार्टमेंट, ये देखो आप, सबसे पहले तो ये पहला, दूसरा, दो कंपार्टमेंट मिल जाएंगे. यहाँ पे छोटी छोटी 2 पॉकेट्स भी मिलेंगी. ये देखो, ये 2 पॉकेट्स भी मिल जाएंगी. और बीच में यहाँ पे एक पतला सा और दिया है अपनी छोटी मोटी चीजें रखने के लिए, जो कि यहाँ पे ऐसे जिप लगी हुई है. देखो, तो काफी अच्छा खासा स्पेस है, काफी सही क्वालिटी है. और प्राइस, जो भी प्राइजेस होंगे आपको स्क्रीन पे मेंशन होते रहेंगे. इसका अप्रोक्स 300 समथिंग प्राइस है. तो उस हिसाब से क्वालिटी बहुत ही सही है. नेक्स्ट प्रोडक्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने मंगाया है, ये मल्टीपर्पज ऑल क्लीनर मिल जाएगा. जैसे ऑयल्स वगैरह होता है ना, ऑयल वगैरह कहीं चिपक गया है गैस पे हमारे, या मेन तो ये मैंने चिमनी के लिए मंगाया है. मैं इसको पहले भी मंगा चुकी हूँ, बहुत अच्छा काम करता है. तो इसलिए मैंने इसको अगेन मंगाया है. और 100 रुपीज समथिंग का ये, 100-120. और इसके साथ ये हमें स्प्रे पंप भी मिल जाता है, तो काफी ईजी हो जाता है. तो बहुत ही यूजफुल आइटम है. अगर अभी तक आपने इसको यूज नहीं किया है तो एक बार यूज करके जरूर देखेगा कि जो हम घंटों लगे रहते हैं, बट अगर ऑयल है उसको हम जैसे जिससे हम अपने डिश वगैरह वॉश करते हैं उससे वो क्लीन नहीं होता, चाहे जितना भी हम उसको गर्म पानी में डाल के रख लें. बट मेरे से तो साफ नहीं हुआ. फिर मैंने, मुझे ये दिखा मीशो पे, तो मैंने इसे ऑर्डर किया. तो मैं इसे पहले भी यूज कर चुकी हूँ, बहुत ही सही वर्क करता है ये. तो आप ट्राई कर सकते हो अगर आपने अभी तक यूज नहीं किया है तो. नेक्स्ट प्रोडक्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स. ऐसी सी पैकेजिंग में आया है. ओके, सबसे पहले तो हमें ये एक स्कॉच ब्राइट मिल जाएगा, एक तरफ स्पॉन्ज और ये एक तरफ थोड़ा सा ऐसे खुरदुरा वाला मिल जाएगा. और ये जैसे इसके अंदर ना हम अपना लिक्विड सोप डाल के, और यहां से ये ना ओपन हो जाता है. इसमें हम अपना लिक्विड सोप डाल लेंगे. यहां पे हम इसको ऐसे, ये बंद हो जाएगा. और जो हमारा ये स्कॉच ब्राइट है स्पॉन्ज, ये यहां पे आ जाएगा. और इसके साथ हमें ये ऐसे पंप दिया हुआ है, तो हमें जितनी क्वांटिटी में जैसे निकालना है हम इसको यूज वैसे कर सकते हैं. ये देखो, तो इससे पहले भी आपने, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं मीशो और अमेज़न पे, आपने देखा होगा कि एक
पुश करने वाला आता है, तो वो भी मैंने आपको दिखाया हुआ है अपने मीशो हॉल में ही। वो तो अच्छा है ही, वो मैं ऑलरेडी यूज भी कर रही हूँ, बट इसमें क्या है कि आपको ये पंप वाला चीज मिल जाता है। तो कितना इसमें आया, जो भी लिक्विड आप सोप लिक्विड यूज कर रहे हो वो आपको दिख भी जाएगा, तो थोड़ा सा इजी टू यूज हो जाएगा। तो अगर इन दोनों में से आप कोई भी लेना चाहते हो, मैं दोनों के कोड्स दे दूंगी, तो आप वो ले सकते हो। तो ये मुझे कुछ अलग सा न्यू सा दिखा था, तो इसलिए मैंने इसको मंगाया था ट्राई करने के लिए। तो उस हिसाब से ये बढ़िया है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है, 100 रुपीज अप्रॉक्स है इसका प्राइस, तो सही चीज है। और जैसे अगर आपने वो दूसरा वाला नहीं भी यूज किया है तो आप ये वाला ले सकते हो। और जैसे किचन के आसपास सारा हमारा फैला होता है, हम कुछ भी रख लेते हैं रखने के लिए, कभी बाउल रख लेते हैं, कोई कुछ भी रख लेते हैं, तो ये रखा हुआ भी काफी सही लगेगा और हमारे सिंक एरिया के आसपास मैस भी क्रिएट नहीं होगा, तो काफी यूजफुल आइटम है ये। नेक्स्ट प्रोडक्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो मैंने मंगाया है, ओके, बहुत ही अच्छे से पैक होके आया है और इसमें हमें मिल जाएगा एक, ये देखिए, बॉक्स मिल जाएगा, डबल डेकर पेंसिल बॉक्स, पेंसिल पेन बॉक्स आप बोल सकते हो इसको। तो मैंने इसे अपनी डॉटर के लिए मंगाया है। इसमें ऐसे यूनिकॉर्न बना हुआ है और पिंक कलर के शेड में है, बहुत ही प्यारा है, क्वालिटी बहुत ही सही है, आप क्लोजर लुक देख सकते हो। ये देखो अच्छे से, ये भी मतलब अंदर ऐसे लगाया हुआ आया है। तो दो कंपार्टमेंट मिल जाएंगे, एक ऐसे डबल कंपार्टमेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे कैसा सब दिया हुआ है कुछ भी रखने के लिए। तो क्वालिटी आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा है, आपके भी बच्चे हैं तो आप मंगा सकते हो। काफी क्यूट है, काफी काम की चीज है, ऑब्वियसली वो देख के खुश होंगे, मेरी डॉटर इसे देख के बहुत, उसको, मेरी डॉटर को काफी पसंद आया ये, तो काफी सही है। अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, मतलब अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो काफी सही है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्राइस के हिसाब से क्वालिटी A1 है। नेक्स्ट प्रोडक्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद मैं, ओके, कुछ मैंने ज्वेलरी पीसेस मंगाए हैं, ये देखो अच्छे से एक प्लास्टिक के बॉक्स में आया हुआ है ये, और इसमें ना ये टॉप्स मंगाए हैं, ईयर स्टड हैं ये, ब्लैक कलर में मिल जाएंगे। आप इसकी शाइनिंग देखिए, मैं क्लोजर लुक दे रही हूँ, आप देख सकते हो कि ये कितना शाइन कर रहा है। तो जब हम इसे वियर करेंगे तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में था, अप्रॉक्स 120 अप्रॉक्स इसका प्राइस है, तो बहुत ही सही है। और ब्लैक कलर का है, तो जैसे हमारे पास गोल्डन होता है और गोल्डन ही ज़्यादा होते हैं, अगर हमें वेस्टर्न वगैरह के साथ कुछ वियर करना होता है तो मिलता नहीं है, तो ब्लैक कलर ऑब्वियसली ऑलमोस्ट आउटफिट पे चला जाएगा। तो बहुत ही प्यारा है, मतलब प्राइस के हिसाब से क्वालिटी आप देख सकते हो, बहुत शाइन कर रहा है, डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, मतलब साइज़ भी एकदम परफेक्ट लगा मुझे ये, तो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगा मुझे ये। नेक्स्ट प्रोडक्ट भी एक ज्वेलरी ही है। अच्छा, आप इसकी पैकेजिंग देखिए, ये कितने अच्छे से ऐसे अंदर ना थर्माकोल में ऐसे रैप होके आया है, थर्माकोल एकदम टूट के गिर रहा है। वैसे तो थर्माकोल एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, तो यूज नहीं करना चाहिए, बट पैक होके आया है। तो इसमें हमें फ्रेंड्स मिल जाएंगी बैंगल्स, अभी तो गिर जाती है मेरे हाथ से, ये देखिए दो, हमें ये दो ऐसी मिल जाएंगी, गोल्डन कलर की हैं, बहुत ही प्यारी हैं, और ये ना अंदर से ये प्लास्टिक की नहीं है, कोई मेटल नहीं है, ये ग्लास है अंदर ना, ये ग्लास में है, आप देख सकते हो। तो ये बड़ी सही चीज़ लगी कि ये ग्लास में है, तो पहनने में कोई भी जैसे एलर्जी वगैरह भी नहीं होगी, और जो लोग डेली पर्पस में पहनते हैं
वो आराम से इसको पहन भी सकते हैं, डेली यूज में वियर कर सकते हैं। और चार ऐसे पतले वाले हमें कंगन मिल जाएंगे। तो इंडियन आउटफिट के साथ तो ये जाएगा ही जाएगा, बट वेस्टर्न आउटफिट के साथ भी ये बहुत ही प्यारी लगेगी। वाओ, कितनी सुंदर लग रही है, आप देख सकते हो। ये मैंने 2.4 साइज मंगाया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग साइज देख सकते हो। आप इसको एक एक भी वियर कर सकते हो, ये ब्रॉड वाले, या इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे मर्जी आप यूज करना चाहें, आप अपने अकॉर्डिंग इसको स्टाइल कर सकते हो। या जैसे कांच की बैंगल्स होती हैं, उसमें भी आप इसको साइड साइड में लगा सकते हो, या सिर्फ आप अगर ऐसे दो दो वियर करना चाहते हो, एक एक वियर करना चाहते हो, मतलब काफी मल्टीपर्पज वे में हम इसको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से यूज कर सकते हैं। और आप इसकी आवाज साउंड से देख सकते हो कि ये ग्लास में है, प्लास्टिक नहीं है। और जो इसका कलर है ना, वो इतना सटल है, मतलब गोल्डन कलर तो है, मतलब एक जो आंखों में चुभता है, एक चटैक वाला नहीं है, बहुत ही सटल वाला गोल्डन कलर है। तो पहना हुआ भी काफी, आपने देख ही लिया है, काफी सही है। और प्राइस इसका सिर्फ और सिर्फ 120 या 130 रुपए है, तो अफोर्डेबल है। अगर आप ऐसा कुछ बैंगल और कंगन टाइप का देख रहे हो, तो इसे तो आप मतलब ले ही लेना, अगर आप ऐसा लेने की कुछ सोच रहे हो तो। नेक्स्ट प्रोडक्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये ऐसे दो के सेट में आया था, और ये है क्या, एक मिनट इसको आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमें मिल जाएगा एसी कवर, और कलर कितना प्यारा है, डिजाइन कितना प्यारा है, आप देख सकते हो। और इसको मैंने ऑलरेडी एसी पे लगा के देख लिया है, ये एक टन एसी पे आराम से आ गया था। तो ये तो सामने वाला एसी के फ्रंट वाले पोर्शन पे आ जाएगा, उसके बाद ये हल्का सा ना ऐसे, ये देखो मैश वाला नेट वाला कपड़ा दिया हुआ है, ये एसी के ऊपर वाले उस पर आ जाएगा। आप मेरी शॉर्ट वीडियोस में चेक करना, वहां पे मैंने इसकी शॉर्ट डाली हुई है, मैं भी डाल दी होगी, नहीं तो एक दो दिन में आपको मिल जाएगी शॉर्ट वीडियो इसकी। तो ये ऐसे, ये वाला जो है नेट वाला, ये ऊपर आ जाएगा। और अगर एसी ऑन भी है, चल भी रहा है, तो आपको इसे हटाने की जरूरत नहीं है। ये सबसे सही चीज लगी मुझे ये, क्योंकि एक दूसरे वाले भी आते हैं कि उसको जब आप यूज में नहीं है, जैसे सर्दियों में यूज में नहीं है, तो आप लगा देते हो, फिर गर्मी में हटा देते हो। बट ये है कि इसको आप मतलब अगर एसी ऑन भी है, यूज भी कर रहे हो, तो ये उसमें मतलब हटाने की जरूरत आपको नहीं है। तो ये भी एक सही चीज लगी। और ये ऐसे पीछे ना लास्टिक सी दी हुई है, तो पीछे ऐसे टक हो जाएगा, तो ठीक है। काफी जो धूल मिट्टी पड़ती है, तो उससे थोड़ा बहुत ऑब्वियसली बचाव हो ही जाएगा। तो ये दो के सेट में आया था, और अप्रोक्स 250 रुपए इसका अप्रोक्स प्राइस है, प्राइस आपको स्क्रीन पे मेंशन हो जाएगा। तो अफोर्डेबल प्राइस में हमें दो का सेट मिल गया है, और बहुत ही प्यारा भी लग रहा है देखने में, मतलब लगा हुआ काफी प्यारा भी लगेगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने मंगाया है, इसमें हमें ऐसे 5 कुशंस कवर मिल जाएंगे, 5 के सेट में आता है। और आप देख सकते हो कि अच्छा खासा इसमें फोम जो भी है, मतलब अच्छा खासा इसमें फिलर यूज किया हुआ है, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। इसका जो प्राइस है अप्रोक्स 350 समथिंग है, तो उस हिसाब से सही लगा मुझे ये। और इसका जो साइज है वो 16x16 इंचेस है, तो ये हमें 5 के सेट में मिल जाएगा। तो मैंने इसकी शॉर्ट वीडियोस भी क्रिएट की हुई है, मैंने कुशन भी मंगाए हुए हैं, और लगाने के बाद ये कुछ ऐसा सा लगता है, आप देख सकते हो। तो काफी सही लगा मुझे ये, काफी ब्यूटीफुल लग रहा है, काफी प्यारा लग रहा है। अगर आप भी ऐसा कुछ लेना चाहते हो, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। और ये 5 इसके साथ ना, इसके साथ नहीं, मतलब ये अलग से ही मैंने ऑर्डर किया हुआ है, ये ऐसे 5 कवर्स भी मिल जाएंगे। आप देख सकते हो कि ब्लैक बेस पे बहुत ही अच्छे से थ्रेड एम्ब्रॉयडरी की हुई है। आप क्लोजर लुक देखो, काफी नीट एंड क्लीन एम्ब्रॉयडरी है, मतलब मुझे लगा नहीं था कि ये, मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना सुंदर आएगा। और उसमें जो इसका मटेरियल दिया हुआ था, वो सिल्क मटेरियल दिया हुआ था, बट सिल्क वाला जो बहुत ही एकदम शाइनिंग वाला होता है, वो वाला नहीं है, आप देख सकते हो। तो कपड़ा भी ठीक ठाक है, यहाँ पे हमें ऐसे
जिप का क्लोजर मिल जाएगा। और ये देखो कुशन पे ऐसे इसको लगा के ये कितना प्यारा भी लग रहा है, आप देख सकते हो। मैंने शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी डाल दी है इसकी, तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो 5 हमें कुशंस मिल जाएंगे और 5 कवर्स मिल जाएंगे। ये दोनों अलग अलग हैं, तो कवर्स में आपको कई सारे कुशंस में आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी मिल जाएंगे। कुशन कवर्स हैं, उनका भी प्राइस 350 और 400 के इन बिटवीन ही है। तो आप इस अगर ऐसा कुछ देख रहे हो तो क्वालिटी प्राइस के हिसाब से एकदम टॉप नॉच है, तो आप कंसिडर इसको कर सकते हो विदाउट एनी सेकेंड थॉट। तो बहुत ही प्यारा लगा मुझे ये, प्राइस के हिसाब से काफी अफोर्डेबल है। नेक्स्ट प्रोडक्ट ये देखो, ये मैंने मंगाया है एक सोफा थ्रो बोल सकते हो आप, या आपने बेड पे भी हम एज ए थ्रो यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही इसका जो मटेरियल है बहुत ही सॉफ्ट है, ऐसे ये देखिए चेक चेक के डिजाइन में ना थ्रेड से इसका बनाया हुआ है, बहुत ही प्यारा है। साइज इसका काफी अच्छा खासा है, इसकी भी मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड की हुई है, मैं साइड में लगा दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। ये देखो इसका साइज देखो आप, बहुत ही अच्छा साइज है। ये देखो चारों तरफ ये अच्छे से ये ऐसे ये फ्रिल से दिए हुए हैं, बहुत ही प्यारा है। तो अगर आपको सोफा थ्रो या अपने बेड पे यूज करने के लिए ऐसा कुछ आप यूज करते हैं, नहीं भी करते हैं तो आप इसको यूज करके देखना, बहुत ही प्यारा लगता है ऐसे स्प्रेड किया हुआ सोफे पे या बेड पे। तो काफी सही लगा मुझे ये, और इसका साइज बहुत अच्छा खासा बड़ा है। साइज कितना है वो आपको जो मैं साइड में वीडियो लगाऊंगी वहां से भी अंदाजा हो जाएगा, प्लस एक्चुअल साइज क्या है आप जब कैटलॉग में जाके चेक करोगे तो वहां पे उसका सारा साइज मेंशन किया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि कितना प्यारा है ये, जो इसका प्राइस है उसके हिसाब से इसकी क्वालिटी मटेरियल एकदम टॉप नॉच है। मैंने 2 सोफा थ्रो मंगाए हैं, ये हमारा था फर्स्ट सोफा थ्रो, सेकेंड वाला जो सोफा थ्रो है ऑलरेडी ये लगा हुआ है। साइड में आप ट्राई ऑन देख ही रहे हो कि लगाया हुआ कितना सुंदर लग रहा है। जो मैंने अभी आपको फर्स्ट वाला दिखाया है उसका साइज बड़ा है और इसका साइज छोटा है, बट दोनों का जो प्राइस है वो सेम है। तो अगर आप ऐसा कुछ अगर मेरे से आप पूछोगे कि मुझे कौन सा पसंद आया, तो मुझे फर्स्ट वाला ज्यादा पसंद आया, क्योंकि उसका ऑब्वियसली इसका भी मटेरियल बहुत सॉफ्ट है, सब कुछ अच्छा है, बट उसमें हमें साइज बड़ा मिल जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो कि अगर आपका 3 सीटर ही सोफा है या 2 सीटर है, आपको उतना बड़ा नहीं चाहिए तो आप ये वाला भी ट्राई कर सकते हो। बट अगर आपको साइज बड़ा चाहिए तो आप गो फॉर जो मैंने पहला वाला आपको शो किया है। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, ऐसी सी पैकेजिंग में आया था और बहुत ही यूजफुल आइटम है, ऑब्वियसली हर कोई यूज करता ही है। तो मुझे ये काफी इसका प्रिंट काफी अच्छा लग रहा था। वॉशिंग मशीन कवर है, ये देख सकते हो आप, काफी अच्छा प्रिंट है, काफी सॉफ्ट है, और इसका तो आप जानते ही हो कि जो मटेरियल होता है वो प्लास्टिक तो नहीं, पीवीसी मटेरियल मेंशन रहता है, पीवीसी टाइप वाला मटेरियल होता है। तो सही है ये, 6.5 केजी की मशीन है मेरी, तो उसपे काफी अच्छे से, मैं पहले भी सेम सेलर से एक मंगा चुकी हूँ काफी पहले, तो साइज मैंने मतलब अभी लगाया हुआ नहीं है बट ऐसे करके देखा था, तो थोड़ा सा लूज ही है क्योंकि मैं एक बार पहले भी मंगा चुकी हूँ, काफी टाइम चल गया था। 6.5 केजी की अगर मशीन है या थोड़ी सी बड़ी भी है तो मेरी मशीन पे थोड़ा सा लूज ही है, तो सही है, मतलब एकदम टाइट वाला भी ना निकालते और लगाते कई बार ना, जब हम क्लीन करने के लिए लगाते निकालते हैं तो वो फटने के चांसेस होते हैं, तो ये थोड़ा सा लूज ही है बट काफी क्वालिटी वगैरह सही है, प्राइस भी एकदम अफोर्डेबल है, तो मैं इसको रिटर्न नहीं करने वाली हूँ। तो काफी सही है अगर आपको चाहिए तो, अगर आपकी 6 से 7.5-8 केजी तक की वॉशिंग मशीन है तो उस पर ये आराम से आ जाएगा, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोडक्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने ये ऐसे एक स्लीपर्स मंगाई हैं। आप घर में पहनो बाहर पहनो, बेसिकली जब बारिश का सीजन होता है तो हमें ऐसा सा कुछ चाहिए होता है, या आपने जैसे वॉशरूम में वगैरह में यूज करते हैं हम स्लीपर, तो उसके लिए काफी ये सही रहता है।
और मतलब काफी कहीं भी आप पहन सकते हो, जल्दी खराब नहीं होता और काफी सही था। प्राइस भी काफी अफोर्डेबल है, देखने में भी क्यूट है और पहनने में कंफर्टेबल है, तो काफी सही लगी मुझे ये। नेक्स्ट प्रोडक्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। ओके, इसमें हमें मिल जाएगा एक, ये एक अम्ब्रेला टाइप का मिल जाएगा बच्चों के लिए खासकर, तो बच्चे इसे देख के काफी खुश भी हो जाएंगे। मेरी डॉटर इसे देख के बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, तो जैसे हल्की फुल्की बारिश है और उनको जैसे घर में ही खेलते हैं, कई बार वो कहते हैं कि हमें बारिश में जाना है, तो मुझे लग रहा था ना कि ये थोड़ा नीचे तक आएगा, वेस्ट तक आएगा, बट ये ना ऐसे। और सबसे पहले तो इसको केयरफुली आपको ओपन करना है, ये एकदम से ये देखो ऐसे से ओपन हो जाता है, इसमें ये स्प्रिंग सी लगी होती है ये ऐसे, तो ये अपने आप ऐसे ओपन हो जाता है, तो काफी केयरफुली ओपन करना आप। ये देखो ऐसे, ये इलास्टिक लगी हुई है ना, इसको निकालते ही ये अपने आप ऐसे ओपन हो जाता है। साइड में आप फोटो देखते होगे तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये ऐसे ना जैसे हम कैप पहनाते हैं बच्चे को, उस टाइप का है ये। तो मुझे लगा कि जब मैंने फोटो में देखा था, ऑर्डर कर रही थी, तो मुझे लगा था ये नीचे तक आएगा, वेस्ट तक आएगा, बट ये सिर्फ हमारे ना यहीं पे बच्चों के शोल्डर पे ही टिक जाता है, ऐसे से बस पहन लेना है। तो ठीक है, अगर उन्हें थोड़ी देर के लिए बारिश है और वो निकलना चाहते हैं बारिश में, हल्की फुल्की है, तो उस हिसाब से सही लगा मुझे ये। तो काफी अफोर्डेबल है, 160 और 170 इसका प्राइस है, तो ये इस टाइप का कुछ दिखता है। साइड में फोटो आप देख सकते हो, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरीके से आएगा। इस हॉल का लास्ट बट नॉट द लीस्ट और सबसे बड़ा प्रोडक्ट है ये। इसमें हमें एक बेडिंग सेट मिल जाएगा पूरा, और इसमें हमें दो पिलो कवर, एक बेडशीट और एक कंफर्टर भी मिलेगा। हाँ जी, तो ये कंफर्टर और बेडशीट का सेट है, आप डिजाइन इसकी देख सकते हो। इसका भी मैंने प्रॉपर शॉर्ट वीडियो डाला है, स्प्रेड की हुई कैसी लग रही है आप साइड में देख सकते हो। एक मैंने थोड़ा ओपन करके दिखा देती हूँ। ये देखिए बेडशीट कुछ इस टाइप की है, और जो इसका मटेरियल है वो ग्लेस कॉटन मटेरियल है। तो ग्लेस कॉटन मटेरियल में पहले भी बेडशीट के मैंने एक दो हॉल्स किए हुए हैं, जो ग्लेस कॉटन मटेरियल होता है वो काफी टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक चलता है, तो काफी सही मटेरियल होता है कॉटन के, क्योंकि प्योर कॉटन तो ऑब्वियसली बहुत कॉस्टली आता है। तो ये आप देख सकते हो, अच्छा खासा पिलो का भी साइज मिल जाएगा हमें, ये देख सकते हो फ्रेंड्स। जो इसकी स्टिचिंग है ना, बहुत ही अच्छी तरीके से की हुई है, ये देखो बहुत ही अच्छे तरीके से की हुई है इसकी स्टिचिंग, तो आप साइड में देख ही सकते हो, मैंने इसका प्रॉपर शॉर्ट वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आप वहां भी चेकआउट कर सकते हो, और साइड में तो मैंने वीडियो या फोटो लगा ही दी होगी, तो आप वहां से देख सकते हो। तो काफी जैसे अब गर्मियां आ रही हैं, तो एसी वगैरह में जो लोग हल्का फुल्का लेना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग काफी सही है, आप देख सकते हो। बहुत ही सॉफ्ट है ऊपर का जो इसका मटेरियल है, और अंदर से वही जो भी इन्होंने फ्लीस वाला मटेरियल होता है वो फिल किया होता है, तो काफी सही है। और ग्रे कलर का है, उस पे ऐसे लीफ वाली डिजाइन है, लीफ वाली डिजाइन है, सेम आपको पिलो कवर पे और सेम आपको बेड पे मिलेगी। तो आप साइड में देख ही रहे हो कि स्प्रेड किया हुआ कितना सिंपल सोवर एंड क्लासी लग रहा है। सो ये था हमारा आज का लास्ट प्रोडक्ट। आई होप कि आपको इन सारे प्रोडक्ट्स में से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट पसंद जरूर आया होगा। आपको कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा या पसंद आया, या अगर आप अपने लिए कुछ ऑर्डर करने वाले हो, तो प्लीज मुझे कॉमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कॉमेंट्स रीड करना, और जब आप लोग कॉमेंट्स करते हो तो उससे काफी हमें मोटिवेशन मिलता है, और हमें लगता है कि हमें भी ये लगता है कि हमें कोई हमारी वीडियोस को देख रहा है, या आप कुछ अगर मंगाने वाले हो उसमें से, हमें ये नहीं लगता कि बस हम आए, जस्ट बैठे, कैमरा से बात की और चलिए।
तो हमारे इतने एफर्ट्स के लिए वीडियो को अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर देके जाइएगा, बिना लाइक के मत जाना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइबर बन जाओ यार, व्यूवर्स क्यों बने बैठे हो। बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं बट पता नहीं क्यों वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इट्स टोटली फ्री, सब्सक्राइब करने में कोई आपको सब्सक्रिप्शन या पैसे नहीं देने होते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी न्यू वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाएं और आपसे वीडियो मिस नहीं हो। तो चलिए फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द किसी अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो एंड बाय बाय।